हिंदी दिवस। आज हम क्या मना रहे हैं? हिंदी दिवस। हिंदी सबको अच्छी लगती है? हम सब हिंदी में बातें करते हैं। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। बोलो, हिंदी हमारी भाषा है। हमको है इस पर अभिमान। हमको भाती है हिंदी हमारी। हिंदी हमारी भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या एक बार जोर से ताली बजाएंगे? आज हिंदी दिवस है, इसलिए कोशिश करेंगे हम सभी वर्ड, हम सभी शब्दों को हिंदी में ही बोलें। ठीक है, हम सभी शब्दों को क्या बोलेंगे? हिंदी में। एक बार बोलो, अ से अनार, आ से आम। सब बच्चों करो समय पर काम। ई से इमली, बड़ी से बच्चों सीखो अच्छी सीख। उसे उल्लू, उसे ऊँट, आओ बच्चों का पहने सूट। ऋषि ऋषि जप है करते, ऋषि ऋषि जप है करते, ऋषि ऋषि जप है करते। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ए से ऐनक। सब बच्चे बनाओ, सब बच्चे बन जाओ मेंढक। देखो, हिंदी हमारी भाषा इसलिए अच्छी है, हम इसमें तुक बंद नहीं कर सकते। मैंने अभी आप लोगों के सामने कोई लाइन लर्न नहीं करी, लेकिन मैं इसको इजीली बना पा रही हूँ, आसानी से बना पा रही हूँ। जैसे भी शब्द है, हम इनको आराम से इसको एक लय में बना रहे हैं। भाषा है, अभी आपने देखा मैंने किस तरह से इसकी कविता बनाई। बनाई ना कविता, अच्छी लगी आपको? अब आप लोग भी इस कविता को सुनकर लर्न कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो आज हम क्या मना रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हिंदी दिवस। ठीक है, चलो वन बाय वन, एक एक करके मैं सबको बुलाऊंगी। आप लोग जो भी आपने प्रिपेयर किया है हिंदी दिवस के लिए, आप वन वन करके, एक एक करके यहाँ पर स्टेज पर आना और अच्छे से परफॉर्म करना, अच्छे से आपको बताना है। ठीक है, ओके बच्चों, क्या भी करें बच्चों से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यस, फर्स्ट परफॉर्मेंस इज कौआ। सबने देखा है आसमान में उड़ता हुआ कौआ, लेकिन ये कौआ
थोड़ी सी अपनी एक बात कह रहा है, सब बच्चे उसको बहुत ध्यान से ग्रहण करना, सब अप्लाई करना, सब उस पे फॉलो करना, क्योंकि ये कौवा बहुत प्यासा है और हमको क्या चाहिए, रोज एक कटोरे में पानी भर के रखे। कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, दूर से घड़ा दिखा, पाँव उसके जा पहुंचा, कौवे ने डाले कान कर, पानी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी, खत्म हुई कहानी। अच्छा कौवे जी, हमें आपकी सारी दुख दुविधा समझ में आ गई है। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि एक कटोरे में रोज पानी भर के दीवार पर रखेंगे बाहर घर के, जिससे कि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और कभी भी इतनी उसको मेहनत ना करने पड़े जितने हमारे इस प्यासे कौवे को करनी पड़ी। तो ठीक है पक्षी राजा, हम जरूर ध्यान रखेंगे आपकी दुख भरी कथा को। इस कौवे ने अपनी हार नहीं मानी, इसने क्या किया, संघर्ष किया। संघर्ष कैसे किया, पानी थोड़ा होते हुए भी इस कौवे ने संघर्ष किया, एक एक करके घड़े में कंकड़ डाला, अपनी सूझबूझ से पानी पिया और सफल हो गया। तो हमें भी कभी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन में सफल हो पाए इस कौवे की तरह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पंडित जी आ रहे हैं, छोटे से पंडित जी, जो कि हमें इतनी अच्छी रामायण बताएंगे कि रामायण में क्या क्या हुआ था। प्रज्ञा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है रामायण। सबने देखी तितली, अच्छी लगती है? यस। तितली को क्या पसंद है, फूल, फूलों पर बैठना और फूलों में से उसका रस लेना, ठीक है। जिन बच्चों ने तितली नहीं देखी है तो वो अपनी नन्ही सी प्यारी सी तितली यहाँ पर देख सकते हैं। देखो कैसे उड़ रही है वो, कितनी अच्छी लग रही है ना। लेकिन ये तितली बहुत परेशान है, इनसे हम इंसानों से देखो अपनी वो क्या विनती कर रही है। देखा बच्चों, आप सबने तितली कितनी परेशान होके अपनी कैसे कैसे विनती कर रही है। तो हमको क्या चाहिए, कोई भी अपने जानवर हो, इंसेक्ट हो, जो भी हो, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए बल्कि उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें इंसेक्ट से और एनिमल से बहुत सी चीजें मिलती हैं, फूड प्रोडक्ट मिलते हैं ना, खाद्य पदार्थ। जैसे काउ से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है, बी से हमें शहद मिलता है, तो ऐसे और हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, हमारे कीट मकोड़े होते हैं, जो कि हमें बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो शाबाश बच्चे, क्लैपिंग करिए काव्य के लिए। लोगों ने खाया है, सब खाते हैं टमाटर। टमाटर हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ना, टमाटर हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और इसको खाने से हम लोगों के जो बाल हैं वो हो जाते हैं लाल लाल। तो आप लोगों को सबको रोज टमाटर खाना है। तो देखो कि छोटी सी प्यारा सा टमाटर जिसका नाम है प्रमाणी, आपका क्या कैसे कैसे टमाटर खाना सिखाएगी। वो तू को भी मार बगाए,
कितनी ताकत आ गई, जैसे हमारी प्रवाणी में आई। कितना तेज तेज जोश में इन्होंने बोला, तो हो जाए जोरदार तालियां। अब आपके सामने परम सुदामा बने हुए हैं, और देखिए भगवान जी सबको अच्छे लगते हैं ना, और वक्त पर सबके काम आते हैं। तो देखो सुदामा कैसे अपने मित्र को याद कर रहे हैं। मित्र कौन है इनके सुदामा जी के? कृष्णा जी। मैं सुदामा हूँ, मैं कृष्ण जी का बच्चा, तेरी कोई हरे मुरारी, हे नायक नायन जनवा सुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, सब अपने कृष्णा जी के लिए याद करिए कृष्णा जी को, और परम के लिए तालियां बजाइए जोर। कैसे सब बच्चे हम लोगों के साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्णा हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री कृष्णा हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप सभी को हिंदी दिवस की आएंगी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी राधा जी। राधा जी तो सबको अच्छी लगती है, वैसे भी वो कृष्णा जी की सब प्रिय फ्रेंड है, सब प्रिय मित्र है। तो देखो हमारी राधा रानी हमें क्या क्या संदेश देती है। परेशान है ये नटखट कान्हा जी, इनका माखन ही चुरा के खाए जा रहे हैं। तो कान्हा जी हमारी राधा रानी को परेशान सब जानते हैं, है ना? तो हमको रोज सुबह उठ के गायत्री मंत्र का वादन जरूर करना चाहिए, इससे हमारा पूरा दिन सुफूर्ति से जाता है, अच्छे से जाता है, और हमें कोई डर भी नहीं लगता। तो हम लोगों को रोज गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। तो आइए, हमारे पास ये नन्हे से पंडित जी हैं, तो वो सिखा रहे हैं कि हमें ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र किस तरह से बोलना। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें जो इतना अच्छी शिक्षा दी कि हमें कैसे भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कैसे हमें उसका गायन करना चाहिए, तो धन्यवाद पंडित जी। कहाँ पर रहती है मछली? पानी में। पानी में, लेकिन ये मछली कुछ कह रही है, तो सुनो सब बच्चों, ये मछली है हमारी नन्ही सी परी। बताओ क्या नाम है इसका? साची। क्लैपिंग करो इनके लिए। आपने सुना, अगर मछली को पानी में से बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो ये मछली इसीलिए दुखी है
कि मुझको पानी में से मत निकालो। देखा कितना रोते हुए बोल रही है वो कि मुझको पानी में से मत निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, है ना? मेरी नन्ही सी मछली को मत मारो, बोलो मत मारो, मुझे मत मारो। देखो कितनी दुखी है हमारी मछली, तो इसलिए बच्चे मछली को पानी में से निकाल निकाल के सभी लोग खाने लग जाते हैं ना, तो मछली को कितना दुख होता है ना, खाते ना कई लोग मछली, तो ये मछली इसीलिए दुखी है कि मुझको पानी में से मत निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कही है इस कविता में, रुको नहीं हमेशा चलते जाओ, कभी भी मुश्किलों से मत घबराओ। कभी कभी आपका ऐसा होता है ना, सुबह सुबह स्कूल आने, मम्मा पापा बोलते हैं स्कूल चलो, आपको लगता है बहुत मुश्किल है स्कूल तो जाना, बहुत मुश्किल है पढ़ाई करना, लेकिन हमें नहीं घबराना है, हमें हमेशा हर अच्छे काम की कोशिश करनी है, ठीक है? कभी भी रोते हुए स्कूल नहीं आना, क्योंकि जैसे मम्मी पापा आपके लिए इतना सारा काम करते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छी सुविधाएं हम दे पाए, तो ऐसे ही आप लोगों को सोचना चाहिए कि हम भी इतने अच्छे अच्छे काम करें कि हमारे मम्मी पापा हमसे खुश हों और हम भी उनका नाम रोशन करें। और रोशन कैसे करेंगे हम, जब हम उनका कहना मानेंगे और अच्छे बच्चों की तरह हम हमेशा अपने सभी कामों को करेंगे, ठीक है बच्चों?